जमींदार वीर प्रताप अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए कभी कभार गांव जाया करते थे। उनके साथ उनके मुनीम रहते थे, जिनकी बुद्धि पर जमींदार को बहुत भरोसा था। एक दिन वो मुनीम के साथ गांव की तरफ जा रहे थे। अच्छा मुनीम जी, खुशी किससे मिलती है? रुपए, पैसे, धन दौलत किससे बताइए? वो जो जब कुछ हमारे पास नहीं होता है तब सब कुछ त्याग कर सिर्फ अपने मन में ही है। मैं कुछ समझा नहीं मुनीम जी, रुपए पैसे के बिना इंसान को संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, यही तो मेरा असली सवाल है। चलिए मालिक, आज हम लोग हरि कुम्हार के घर चलते हैं। ठीक है ठीक है, तो फिर चलिए। अरे देखा आपने, देखा, तुम लोग इतनी भागदौड़ मत करो, सारे सामान टूट जाएंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भला इन लोगों को इस बात का ख्याल भी होगा भाग्यवान, वो लोग अपने खेल में ही मस्त है। सही कहा आपने, इन लोगों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती है, क्या बताऊं मैं। अरे जमींदार साहब यहाँ आ रहे हैं। प्रणाम जमींदार साहब। क्यों भाई हरी, सब लोग घर के बाहर क्या कर रहे हो बताओ मुझे? वो मालिक, हम लोग तो बस वन भोजन कर रहे थे, अभी खाना बनाने की तैयारी भी हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब है कि आज कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है ना? हाँ, आज बहुत कुछ बनेगा, चावल, आलू का चोखा और साग भी बनेगा। अच्छा तुम लोग अपना काम करो, मुझे जरूरी काम है। चलिए मुनीम जी। प्रणाम मालिक, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं मालिक। मेरे पास इतने सारे रुपए, पैसे, नौकर चाकर, सगे संबंधी, और फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। दिल खोलकर मैं हंस भी नहीं पाता हूँ, और वो कुमार साग खाकर भी इतना खुश है। उसे उतने में ही संतुष्टि है मालिक, वो असंतुष्ट नहीं है, इसीलिए उसमें लालच नहीं है, असंतुष्टि होने पर ही समस्या होती है। आप मुझे 100 सोने के सिक्के दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि आपकी ये मदद उनकी जिंदगी कठिन कर देगी, कठिन। हरे 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 हरे, ये क्या? अरे बाबा जी आप है ये? रुकिए रुकिए, मैं अभी तुरंत दरवाजा खोल देता हूँ। मैं तो तुम्हारे सपने में आया हूँ। क्या आदेश है मेरे लिए? कोई आदेश नहीं है, मिलने वाला है। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से कल तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलने वाले हैं। ये 1 सोने का सिक्का ही मेरा असली ब्रह्मास्त्र होगा। अरे ये क्या, ये थैली कैसी है, जरा देख लूं। अरे वो भाग्यवान, क्या हुआ? ये देखो, बाबा जी के आशीर्वाद वाले सिक्के हैं ये। अरे वाह, ये तो सच के सोने के सिक्के हैं। हाँ मैंने ये सपने में देखा था। जय हो जय हो जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। चलो अब। ये 96 97 98 99। अरे दोबारा गिनता हूँ, 97 98 99। नहीं ये तो 100 नहीं है।
हो सकता है ये भी 99 ही होंगे, जितना भी है कम थोड़ी है, है ना? लेकिन मुझे सपने में आशीर्वाद मिला था, ये कम कैसे हो सकता है? सपने में तो 100 मिलेगा, साधु बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब क्या होगा? हाय 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 हाय, ये थैली बाहर रखी थी ना, जरूर किसी ने चुरा लिया होगा, अब क्या करें? हाय 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 हाय, मुझे 100 सोने के सिक्के मिलने वाले थे। हाय 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 हाय। उस दिन के बाद से हरि का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। एक सिक्के के शोक में वो मन लगाकर काम भी नहीं कर पाता, मन में शांति नहीं रहती, पूरे दिन वो सोच में डूबा रहता। क्या हुआ, सुबह से एक मटका भी तैयार नहीं हुआ है, क्या मुसीबत है? खाना खाकर खत्म कीजिएगा या नहीं, आपको आखिर हुआ क्या है, बताइए क्या हुआ जी? अच्छा भाग्यवान, बताओ मुझे जरा तुम, वो सिक्का आखिर कौन ले जा सकता है? हाँ, कौन ले जा सकता है? हे ऊपर वाले, अभी तक आप उस एक सिक्के को लेकर फंसे हुए हो। अरे बाप रे, ऐसे तो आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। लेकिन मेरा सिक्का? हरे, ओ हरे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, कैसे दिन गुजार रहा हूँ? मैंने सुना है कि तुम्हें बाबा जी के आशीर्वाद से सोने के सिक्के मिले हैं। मेरी किस्मत फूटी हुई है मुनीम जी, फूटी हुई किस्मत है मेरी, पूरा आशीर्वाद मुझे नहीं मिला, एक सोने का सिक्का पता नहीं किसने चोरी कर लिया है, मेरी किस्मत ही खराब है। हाय हाय, मेरी किस्मत ही खराब है। सिक्के की वजह से हरि की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो आपको प्रणाम करना भी भूल गया, उसके चेहरे की हंसी भी गायब हो गई है मालिक। तो इसका क्या मतलब, कि मैंने उसकी मदद करके गलती की है? नहीं मालिक, दरअसल इंसान को जो कुछ भी मिलता है उसे छोड़, उसे जो नहीं मिलता है उसकी वजह से वो दुखी हो जाता मतलब? है। अच्छी तरह से रहना इंसान के अपने हाथों में ही है मालिक। हरि के पास जब कुछ नहीं था तब वो कितना खुश और सुखी था, अब सिर्फ एक सिक्का कम होने की वजह से उसकी जिंदगी में सुख शांति सब कुछ गायब हो गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा मुनीम जी, अब बताइए क्या करें? अरे ये यहाँ, ये रहा मेरा सिक्का। अरे ओ भाग्यवान, सुन रही हो, सुन रही हो, मेरा सिक्का यहीं पर था, मेरा सिक्का। मेरा सिक्का मुझे वापस मिल गया, मुझे कितनी खुशी हो रही है, वाह मेरा सिक्का, वाह।